तबलीगी जमात मामले में दिल्ली कोर्ट ने 36 विदेशियों को बरी किया। पुलिस ने कोविड 19 महामारी के दौरान सरकार के दिशा निर्देशों को ना मानने का लगाया था आरोप। आंदोलनकारी किसान संगठनों ने सरकार पर लगाया गैर किसानों से बातचीत का आरोप, कहा नए कृषि कानून हैं किसानों के लिए डेथ वारंट। किसान आंदोलन पर अपने गृह राज्य गुजरात में बोले पीएम मोदी, दिल्ली के आसपास आजकल किसानों को डराने की साजिश चल रही है, विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र निरस्त, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोरोना का दिया हवाला, कांग्रेस बोली कोविड बहाना, किसानों के आंदोलन से डरी है सरकार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे इस बार की गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि, यूके में होने वाली G7 बैठक में पीएम मोदी भी होंगे शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स में चल रही नर्सों की हड़ताल पर लगाई रोक, छठे वेतन आयोग को लागू करने को लेकर हुई थी अनिश्चितकालीन हड़ताल। चुनाव आयोग पहुंचा बंगाल में हिंसा का मामला, बीजेपी ने की आचार संहिता लागू करने की मांग। अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन की जीत की औपचारिक पुष्टि, देश के सभी 50 राज्यों के इलेक्टोरल कॉलेज ने की उन्हें 306 मत मिलने की पुष्टि, जीत के लिए जरूरी थे 270 वोट। और ICC ने जारी की नई टेस्ट रैंकिंग, भारतीय कप्तान विराट कोहली दूसरे पायदान पर, टॉप 10 में अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा भी शामिल।